आपने एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है जिसमें आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन जब कराते हो HCN के साथ, तो यहाँ पे आपको एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है जिसमें हाइड्रोजन इस O के साथ और CN न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है कार्बन के ऊपर, और एक यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। सेम इसी रिएक्शन को परफॉर्म करता है यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड। कोई भी आपके पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा, जब उसका रिएक्शन आप कराते हो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, ये एडिशन प्रोडक्ट देता है। तो CH3 CH के साथ यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे SO3 Na। अब ये जो एडिशन प्रोडक्ट होगा वो केवल प्योर एल्डिहाइड और कीटोन देगा, मतलब उसके साथ जो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होगी वो इम्प्यूरिटी इस एडिशन प्रोडक्ट में आता नहीं है, वो अलग हो जाता है। और इसकी जब हम फिर से हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हाइड्रोलिसिस के बाद आपको दोबारा एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा, और ये जो एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा, इसमें इम्प्यूरिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड को